काव्या की जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से काव्या की जिंदगी में जो उनका अतीत है यानी कि जो शुभ है वो फिर से सामने आ गए हैं। और वो इस तरीके से शुभ काव्या को फ़ोन करके ये बोलता है कि बहुत हवा में उड़ रही हो, तुम्हारे पंख काट दिए जाएंगे। उसके बाद से काव्या पहुंचती है एकेडमी, और एकेडमी में पहुंचते ही वहाँ पे जो उनके गुरुजी हैं यानी कि जिससे उन्होंने पढ़ाई की, आईएएस की और आईएएस क्लियर किया, वो गुरुजी पहुंच जाते हैं वहाँ के हेड बन के। और वो कहते हैं कि लगता है इस लड़की की पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, इसको एक साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि बेटा छुट्टी ले लो एक साल का, मेरा बेटा क्लियर कर लेगा तो साथ में दोनों आईएएस बन जाना। तो इस तरीके से काव्या की जो ज़िंदगी है उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। एक तरफ शुभ है, दूसरी तरफ शुभ की मदर है, वो उसके पेरेंट्स को परेशान कर रही हैं, कुछ पैसे वैसे मांग रही हैं। अब किससे रिलेटेड पैसे मांग रही हैं वो तो बाद में पता लगेगा। और इधर अब काव्या के शुभ के जो फादर हैं वो भी पहले काव्या को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अब उनका बेटे वाला प्यार जो है वो जाग चुका है और अपने बेटे के प्यार के चक्कर में अब वो काव्या को परेशान करने लग गए हैं। तो ये है नया प्रोमो, देखिए आप और इंतज़ार करिए ट्यूसडे मंडे का, आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।